टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चहर 1 जून को शादी करने जा रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज के साथ साथ फेरे लेंगे। दीपक ने पिछले साल आईपीएल मैच के दौरान जया को प्रपोज किया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था और लाखों लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया था। स्प्लिट्स विला 2 के प्रतिभागी और अभिनेता सिद्धार्थ भारद्वाज की बहन है। दीपक और जया काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जया दिल्ली की रहने वाली है और एक कॉरपोरेट फर्म में काम करती है। दीपक की शादी के कार्ड की एक तस्वीर सामने आई है। इस कार्ड में लिखा है दीपक वर्स जया। इसके साथ ही शादी की तारीख भी लिखी है। 1 जून 2022 सुनहरे रंग के इस कार्ड के अंदर की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। दीपक और जया की तरफ से शादी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये शादी का कार्ड दीपक चहर और जया भारद्वाज की शादी का ही है और दोनों 1 जून को 7 फेरे लेने जा रहे हैं। दीपक चहर चोट के चलते आईपीएल 2022 में चेन्नई के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए और इस सीजन चेन्नई का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। चेन्नई के खराब प्रदर्शन में दीपक का ना खेलना बड़ी वजह थी। अब दीपक क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने से पहले दाम्पत्य जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। दीपक और जया की पहली मुलाकात दीपक की बहन मालती शहर ने कराई थी। इस मुलाकात के बाद से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बातचीत होती रही। मुलाकात के करीब 5 महीने बाद दोनों ने सगाई कर ली। सगाई के बाद मालती चहर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दीपक और जया की फोटो भी शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था लो मिल गई भाभी। ये भी लिखा कि लड़की विदेशी नहीं दिल्ली की है। जया भारद्वाज दिल्ली की एक टेलीकॉम कंपनी में डिजिटल कंटेंट हेड है। जया कक्षा 12वीं में अपने स्कूल की टॉपर रही है। इन्होंने कला वर्ग से पढ़ाई की, बाद में MBA किया। ये छोटी थी तभी पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद माँ ने जया और उनके भाई सिद्धार्थ की परवरिश की। वो होर्डिंग डिजाइनिंग के व्यवसाय में थी। जया के भाई सिद्धार्थ भारद्वाज बिग बॉस सीजन 5 में प्रतिभागी रह चुके हैं। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।